गुड मॉर्निंग नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, कैसे हैं आप? उम्मीद है मजे में होंगे, फुल एनर्जेटिक होंगे और फौरन से टीवी के सामने आ गए होंगे अपने सारे कामकाज खत्म करके, क्योंकि आज है मंडे और आप जानना चाहेंगे कि आज का आपका वीक कैसा, मतलब आज आप जानेंगे कि आपका वीक कैसा रहेगा और आप सब एक्साइटेड होंगे, एनर्जेटिक होंगे क्योंकि छुट्टियाँ मना के आए। ऑफकोर्स दो दिन की बड़ा ही रीस्टार्ट हो जाता है सैटरडे संडे, एक तो सैटरडे स्कूल नहीं होते तो लोग आराम से उठते हैं, वैसे हमारे घर में उलट है, मेरे छोटे बहन भाई सैटरडे को भी जल्दी उठ जाते हैं, मतलब अपनी छुट्टियों में भी हमारा ही जीना हराम करते हैं। बहरहाल स्टार्ट करेंगे शो, हमारे साथ हैं हमारे एस्ट्रोलॉजर जिमोलॉजर अली तबस्सुम साहब जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का बड़ा करम है, परवरदिगार का बहुत बहुत शुक्र है। सब बात वर्किंग डे का आगाज फुल एनर्जी के साथ करना चाहिए, क्योंकि जब आप वीकेंड को एंजॉय कर रहे होते हैं तो फिर यकीनन जब आपका वर्किंग डे स्टार्ट होता है तो फिर आप कोई भी ऐसा काम जिसे आप अपने लिए मुश्किल समझ रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड समझ रहे होते हैं, इन्जॉय के साथ किया करें, यकीन वो काम में आसानी होती है। और फिर जब लगन के साथ करते हैं फिर ऐसा काम जिसमें आपको अगर मशवरे की ज़रूरत है तो आप अपने कुलीग से, अपने किसी भी दोस्त से, अपने किसी फ्रेंड से मशवरा लेकर आप उस काम में आसानी पैदा कर सकते हैं। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, आपने नियत बनाई हो जी सैटरडे नाइट को कि आज तो जी सुबह देर तक संडे को सोएंगे और सुबह जल्दी से जो है वो सब उठ गए घर वाले, कभी हुआ है आपके साथ ऐसा? नहीं, अगर वो जल्दी से उठ भी जाते हैं तो फिर जो भी उनकी एक्टिविटीज़ होती है या कोई ब्रेकफास्ट करना होता है या कोई भी हलवा पराठा पूरी खानी होती है तो वो खा के फिर और मज़े की दोबारा नींद आती है। और मेरे साथ तो उनको पता है कि ये क्योंकि मुझसे वे सारे छोटे बहन भाई डरते हैं तो उनको पता है कि इसके रूम में नहीं जाना, सुबह स्कूल के वक्त भी उठते धड़ धड़ सारी चीज़ें इधर से उधर, तो वो अगर उठते हैं तो मतलब सब उठते ही उठते हैं। खैर बहरहाल ये भी एक इस चीज़ का भी एक अपना मज़ा है कि आप थोड़े से डिस्टर्ब हो रहे हो, लेकिन नींद तो नसीब में है ही नहीं, अपने टाइम को ज़्यादा यूटिलाइज़ करें, सोने पर कम तवज्जो दें, हमारी तो ज़िंदगी में नींद ही नहीं रही तो इसलिए नींद थोड़ी ज़्यादा करने की मुझे ज़रूरत है, तबीयत कॉन्स्टेंटली ख़राब, जुकाम वगैरह। स्टार्ट करेंगे शो का आगाज़ करेंगे, जानेंगे कौन है स्टार ऑफ द डे, क्योंकि सब वेट कर रहे होंगे, कह रहे होंगे बातें कर रही है स्टार के बारे में नहीं बता रही जी। हाँ थैंक यू सो बात। कैप्रिकॉर्न जोहर बुर जद्दी अर्थ साइन पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग पोजिशन पर है, इनका लक हाउस बहुत अच्छा है, नाइन्थ एंड टेंथ हाउस की पोजिशन बहुत अच्छी है, इलेवंथ हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग है, द हाउस ऑफ बिजनेस, कारोबार का घर, दोस्तों का, मोहब्बत का, किस्मत का। वेल 2017 अच्छा रहेगा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई अब्रॉड की ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, आला तालीम हासिल करना चाहते हैं, कोई एजुकेशन के हवाले से जो भी इनकी खास विश है वो पूरी इंशाल्लाह हो जाएगी। एडवाइस देते रहें खासतौर पर टॉरिन एंड वर्गो से एडवाइस देना कैप्रिकॉर्न के लिए अच्छा साबित होगा। ज़्यादा से ज़्यादा ब्लैक चीज़ का सदका दें, अपने बर्थ स्टोन के साथ अगर ये छोटा सा ब्लैक की पहन लेते हैं, जब आपके स्टार की पोजिशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो, जब आप कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हो, जब आपके कामों में अल्लाह ताला की तरफ से आसानी पैदा हो रही हो, फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा सदका खैरात किया करें अपने अराउंड अबाउट में, वो दोस्त कुछ नेबर हो सकते हैं, रिलेटिव हो सकते हैं, यकीनन आप उनकी जब हेल्प करते हैं तो आपको एक रूहानी खुशी होती है। कैप्रिकॉर्न अपने बर्थ स्टोन के साथ ब्लू सफायर नीलम के साथ छोटा सा ब्लैक की पहनने के लिए इंतहाई मुबारक रहेगा। 2015 से जो भी इनकी प्लानिंग थी या 2016 में जो इनकी पर्सनल विशेज इनकम्प्लीट रही हैं, जिनके लिए बहुत ज़्यादा इन्होंने हार्ड वर्किंग की होगी, स्ट्रगल की होगी, कोशिश की होगी, इंशाल्लाह 2017 के एंड तक वो खुशियाँ, वो कामयाबियाँ इनको मिल जाएंगी। ठीक है जनाब, हमारे साथ कॉलर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस आप लोग कैसे हैं? अली भाई कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, ठीक ठाक, A1 फर्स्ट क्लास मेरी बहन। कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ। आमना। आमना, आप मैरिड हैं? मैं जी मैं मैरिड हूँ। आप बताएं आपके संडे कैसे गुजरते हैं? सॉरी, आपका वीकेंड कैसा गुजरता है? बस अल्लाह का शुक्र है अच्छा गुजरता है, आउटिंग पे चले जाती हूँ हस्बैंड के साथ तो फिर अच्छा गुजर जाता है। ठीक है जी, आप बताएं आप क्या पूछना चाहेंगी? मैं अली भाई से बात करना चाह रही हूँ। जरूर जी बिल्कुल, आमना बात कर सकती हैं मेरी बहन, क्या पूछेंगी अपने बारे में किसी और के लिए? अली भाई मैं अपने बारे में पूछना चाह रही हूँ, एक्चुअली मैं हार्ट पेशेंट भी हूँ और मुझे शुगर का मसला भी है। अल्लाह से तो मुझे किसी ने सजेस्ट किया था कि मैं जुमरुद पहन लूँ, कहा था कि मुझे हार्ट प्रॉब्लम है तो कहा था आप जुमरुद पहन ली तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा, तो मैं ये कंफर्म करना चाह रही थी कि क्या ये मेरे लिए बेहतर है अगर मैं ये वेयर कर लेती हूँ। और वालदा का नाम मेरी किंजा है, डेट ऑफ बर्थ मेरी 2nd अप्रैल 1991 है। 2nd अप्रैल 1991, ठीक है जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग, अल्लाह हाफिज जी। आमना शीज एरीस जिसे मुरीक बुर्ज हमल कहते हैं, इनका जोडिक साइन मार्स लग्न में 9 एंड ट्यूज़डे आपका लकी डे, एमरल्ड इज़ नॉट योर बर्थ स्टोन, स्पेसिफिकली हार्ट पेशेंट हैं आप तो वो मेरे बहन भाई जो दिल के मरीज़ होते हैं या उनको हार्ट प्रॉब्लम होता है तो उनके लिए पर्ल एंड यमनी की ये दो स्टोन के अंदर, दो पत्थरों के अंदर अल्लाह ताला ने कुछ ऐसे केमिकल कंपाउंड्स रखे हैं जो
दिल को ताकत देते हैं, सुकून कल्ब पैदा करते हैं। और यकीनन आप भी अगर मेरी बहन पर मोती या फिर यमनी कीक दोनों भी पहन लेती हैं, दोनों में से कोई भी एक स्टोन आप वेयर करती हैं तो आपके लिए इंतहाई मुबारक होगा हार्ट के लिए। वेल आप एक जो सदका ज़्यादा ज़्यादा दिया करें चारों दालों का, सूरह यासीन की तिलावत डेली करना आपके लिए बहुत मुफीद होगा। बल्कि सूरह यासीन पान सिंपल वाटर और के गुलाब या आबे जमजम पर दम करके अगर आप मेरी बहन डेली पी लेती हैं तो इससे भी अल्लाह ने चाहा तो आपका जो भी इसमें हार्ट का मसला है अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती और सेहत अता करेगा। ठीक है जी, क्योंकि आज मंडे है तो मेरी कोशिश रहेगी कि ज़्यादा ज़्यादा हॉरोस्कोप लिए जाएं, क्योंकि सब जो है वो देख रहे होते हैं शो और जानने की कोशिश करते हैं कि उनका आज का दिन कैसा गुजरेगा, क्योंकि स्टार्ट ऑफ द वीक होता है। लेकिन आज जो है वो ट्विस्ट ये है कि हम स्टार्ट करेंगे और यूँ नहीं बताएंगे जी एरीज से स्टार्ट करके वन बाय वन आप बताते रहे, नहीं, बल्कि पहले हम वाटर साइन पर्सनैलिटीज़ के बारे में बताएंगे, फिर एयर साइन पर्सनैलिटीज़ के बारे में बताएंगे, फिर अर्थ एंड देन फायर साइन पर्सनैलिटीज़। जी स्टार्ट करेंगे पाइसेस से, और वैसे भी स्टार्ट भी ऐसे करेंगे जो लास्ट साइन है सबसे वाटर साइन में उससे, यानी पाइसेस। वेल पाइसिस के बाद कैंसर एंड स्कॉर्पियो भी हैं वाटर साइन, पाइसिस से ले लेते हैं। मुश्तरी बुर्ज हूँ, इनका जॉडिक साइन जुपिटर, वेल लकी नंबर 6 एंड सैटर्न इनका लेकर जुपिटर की पोजीशन, लक हाउस इनका ग्रेजुअली अच्छा बन रहा है, लेकिन 6th हाउस थोड़ा सा इनका स्टिल वीक है। सेहत का खास ख्याल रखें, अपने आप को फ्रेश रखें, माइंड से स्ट्रेस जो भी इनका कुछ इन्होंने खुद साफ़ता डिप्रेशन ले रखा है वो डिप्रेशन इनकी पर्सनल विश की पूरी ना होने की वजह से भी हो सकता है, या कोई अब्रॉड की ट्रैवलिंग करना चाह रहे हैं उसमें कोई रुकावट आ रही है, या कोई अच्छे रिलेशन कायम करने के वाले से, या किसी खास जगह की कोई प्रपोजल भेजा हुआ है, या कि एक्सपेक्टेशन रखी हुई है कि वहां से इनको कोई रिस्पांस मिले, तो उसका स्ट्रेस इन्होंने माइंड में ले रखा होगा। और इतने अच्छे एडवाइजर्स होते हैं, अगर आप स्ट्रेस में हैं तो बाकी सब लोगों को क्या होगा, क्योंकि इन्होंने अक्सर बताई इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की अच्छी एडवाइस दे सकते हैं, आपके अच्छे मुशीर बन सकते हैं, तो एडवाइजर्स दोस्त ये अच्छे होते हैं। तो आप जरा अपनी टेंशन खत्म करें और फोकस करें तमाम चीजों पर जिससे आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स मजीद स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। जी वेल एग्जैक्टली आपने बहुत अच्छी बात की। अच्छा जो स्ट्रेस होता है ना वो कोई पर्सनल विश के पूरे ना होने की वजह से होता है, कारोबार या कोई जॉब का इतना मे बी पॉसिबल स्ट्रेस नहीं होता जो कोई पर्सनल विश मोहब्बत चाहत लाइकिंग या कहीं से आपने प्रपोजल भेजा हुआ होता है वहाँ से ना आपको रिस्पांस मिल रहा हो तो माइंड पर जेन पर वो चीज़ें मुसल्लत हो जाती है, क्योंकि वो शायद आपने चीज़ बहुत ज़्यादा डीप में जा के ले ली होती है माइंड पर। अपने आप को फ्रेश रखें, पाइसेस सफ़ेद चीज़ का सदका देना इनके लिए बड़ा मुफीद साबित होगा, कॉरल लेपिस इसके साथ साथ छोटा सा यमनी कीक वेयर कर सकते हैं। अच्छा टाइम इनका स्टार्ट हो रहा है, जुलाई अगस्त सितंबर के महीने इनके लिए बड़े मुबारक रहेंगे, कुछ अच्छे दोस्त इनको सपोर्ट कर सकते हैं, खासतौर पर वाटर साइन पर्सनैलिटी, इसमें कैंसेरियन एंड स्कॉर्पियो से इनको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। इनसे एडवाइस लेना, इनको अपना बिजनेस पार्टनर बनाना इनके लिए अच्छा साबित होगा। ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य रहमान सूर्य वल असर सूर्य कौसर की कंटिन्यूसली अगर ये तिलावत करते हैं तो अल्लाह ताला की तरफ से इनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, इनके कामों में आसानी पैदा होती रहेगी। वो मुझे तो शेर याद आ रहा था इनके लिए कि वो इश्क ने बना दिया निकम्मा, वरना बंदे तो हम भी बड़े काम के थे। वो कैसे है शेर आपको पता है, क्योंकि इनको शेर शायरी का काफी शौक है, कैसे वो शेर कैसे है? हाँ वेल इश्क ने निकम्मा कर दिया गालिब, वरना हम भी आदमी थे बड़े काम के। जी तो पाइसेस भी थे बड़े काम के, तो अपनी पर्सनल विशेस को आप रखें, इंसान के साथ होता है। बहरहाल हमारे पास मैसेज है जी, इनका ये कह रही है माय नेम इज सुमेरा, इनकी वालदा का नाम है सुगरा, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 20th of March 1999 एंड शी वॉन्ट्स टू आस्क अबाउट द रिश्ता। मेरा रिश्ता नहीं हो रहा, जहाँ भी बात होती है वहाँ कोई ना कोई रुकावट आ जाती है, तो काइंडली बताएं कि मैं क्या कौन सा ऐसा वजीफा बता दें और स्टोन बता दें कि जिससे ये मेरी प्रॉब्लम हल हो जाए। ट्वेंटी मार्च वेल दो स्टार के दरमियान में कस्ट में आ जाती हैं ये पाइसिस एंड एरीज के दरमियान। अब हम इन्हें पाइसिस काउंट करेंगे 20th मार्च एंड बिल्कुल तो आप ही मुझे बताइए क्या होता क्या है, मतलब एंड ऑफ फाइव की एलिमेंट्स आ जाते हैं आपके अंदर, और अगर कोई एयर और वो भी आ सकता है आपके साथ, एयर और अर्थ साइन भी आ सकता है, मतलब ये हो सकता है, तो इनके अंदर दोनों क्वालिटीज होती हैं, दोनों क्वालिटीज होती हैं, दोनों खसूसियात इनके अंदर होती हैं। वेल ईजीली ये जो दो स्टार के दरमियान आ जाते हैं तो फिर वो माशाल्लाह वाटर साइन पर्सनैलिटी को भी इजीली हैंडल कर सकते हैं और फायर साइन पर्सनैलिटी को भी। और कौन से ऐसी तारीखें हैं जैसे स्टार्ट अगर जेमिनी से लेते हैं तो मैंने ये पढ़ा है, क्योंकि मैं अपने स्टार के हवाले से बात कर सकती हूँ कि जो मिडल जो लास्ट स्पेल है यानी 13 से लेकर 22nd तक, तो उसमें जो है दे आर दी मोस्ट 22nd मई से 23rd मई से हम जेमिनी को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन वो तो स्टार्ट है, लेकिन जो कहते हैं जी स्ट्रॉन्ग एलिमेंट्स जहाँ मिलते हैं, जो कहते हैं ना असल लिब्रा, मतलब जिनमें ज्यादा मिलती है क्वालिटीज़, मिड है। हाँ एग्जैक्टली मिड होता है, कोई भी स्टार की डेट का मिड वो स्ट्रॉन्ग स्टार की पर्सनैलिटी का मालिक होता है। ठीक है जी, इनके बारे में बताइएगा। 20th मार्च है ना? जी मैंने 20th कहा है तो वो 28 20 मार्च 1999 है इनकी पैदाइश की डेट। जी
सुमेरा शी स्पाइसेस वाटर साइन पर्सनैलिटी वेल इनका जोडियक साइन जुपिटर सेवंथ हाउस को रीड करते हैं द हाउस ऑफ मैरिज को खुशियों के घर को मोहब्बत चाहतों के घर को सेवंथ हाउस बहुत अच्छा बन रहा है अच्छे प्रपोजल आपके आ रहे हैं अगस्त सितंबर के महीने आपके लिए इंतहाई मुबारक रहेंगे इसी साल का थर्ड क्वार्टर या फिर एंड ऑफ दिस ईयर तक दिसंबर तक एक्सपेक्टेड है वो पर्सनैलिटीज जिनके साथ आपका स्टार मैच करता है जिनके साथ आपकी मैरिज बहुत ज़्यादा कामयाब रहेगी जो आपको ऑनर इज्जत रिस्पेक्ट देंगे उसमें पाइसिस कैंसेरियन एंड स्कॉर्पियो से रिलेटेड पर्सनैलिटीज आपके अच्छे लाइफ पार्टनर साबित होंगे सेकेंड एयर साइन पर्सनैलिटी से भी आपकी 80-90% बन सकती है खासतौर पर लिब्रा एंड जेमिनी के भी प्रपोजल अगर आते हैं तो ये भी आपके माशाल्लाह अच्छे लाइफ पार्टनर बन सकते हैं सेकेंड हाउस बहुत अच्छा है कोई भी अगर जॉब का इरादा है या कोई जॉब करनी है कोई बिजनेस करने का इरादा है तो ये टाइमिंग आपके लिए अच्छी है इसमें आप कोई भी गारमेंट्स का बुटीक सैलून का कोई भी पार्लर का अगर आप बिजनेस करना चाहती हैं तो ये फील्ड आपके लिए बेस्ट साबित होंगी कुछ अच्छे दोस्तों से एडवाइस लेना आपके लिए बड़ा मुफीद साबित होगा खासतौर पर पाइसिस एंड जेमिनी से अगर आप एडवाइस लेती हैं तो ये आपके अच्छे एडवाइजर साबित होंगे अपने बर्थ स्टोन के साथ लेपिस या फिर कॉरल के साथ अगर आप छोटा सा रेड या कूद पहन लेती हैं तो ये आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगा दो सदके कंटिन्यूसली आप देती रहा करें एवरी थर्सडे या फिर एवरी मंडे व्हाइट एंड रेड चीज़ का अक्सर और बेशतर बताता रहता हूँ वेजिटेबल कोई भी या दाल वगैरह या फल फ्रूट कपड़ा रेड चीज़ में व्हाइट चीज़ में आप सदका कर सकती हैं सूर्य निस्सा सूर्य नूर एंड सूर्य यूसुफ की तिलावत करना आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगा ठीक है जनाब कॉलर भी हमारे पास अस्सलाम वालेकुम सुबह बखैर जी वालेकुम अस्सलाम कैसे हैं आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक दुआएं आपकी जी कौन और कहां से बात कर रहे हैं जी मैं अब्दुल रहमान बात कर रहा हूं कराची से जी अब्दुल रहमान साहब क्या पूछना चाहेंगे आप जी पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि संडे पे जो बात हो रही है सुबह सुबह देर तक सोने की उसके बारे में बताना चाहूंगा रोज ये प्लान करता हूँ कि संडे को 11 से 12 बजे तक सोऊं लेकिन हमारे एरिया में लोड शेडिंग हो जाती है और 9 बजे लाइट चले जाती है इसकी वजह से उठना पड़ जाता है हाँ ये तो ये पर्सपेक्टिव अलग है और कई लोगों के मतलब माशाल्लाह आजकल जो मच्छर हुए हैं उसकी भी बात कर सकते हैं ऐसे तो बड़े सारे मसाइल हैं लोड शेडिंग क्या किया जाए हमारी बस हुकूमत जब वोट लेने की बारी आती है तो रोड्स तोड़ के बनाती है वापस से ही रोड्स को कि देखें हमने तो काम किया है आपकी डेवलपमेंट के लिए और बिजली नहीं है आपके मुल्क में लेकिन रोड बनानी काफ़ी ज़रूरी है पुल से लोग चलेंगे एजुकेशन नहीं है लेकिन रोड बनानी जरूरी है क्योंकि रोड खाएंगे रोड पिएंगे रोड पे ही सोएंगे और बाकी कोई चीज़ जरूरी है बहरहाल ये तो थोड़ा सा जो है वो फुकदान है बहरान है इन तमाम चीज़ों का लेकिन आप क्या पूछना चाहेंगे जी बिल्कुल मैं अली भाई से पूछना चाहूंगा कुछ जी 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 अब्दुल रहमान भाई थैंक यू फॉर कॉलिंग आप पूछ सकते हैं आप लोड शेडिंग के बारे में बता रहे हैं तो आप अपने बिल्कुल अपने तकिए के पास अपने सरहाने हैंड फैन जरूर रखा करें माशाल्लाह बर वक्त काम आने वाली चीज है बिल्कुल ठीक क्योंकि हम यही एडवाइस दे सकते हैं जी माशाल्लाह पुराने दौर की बात है जब पुराने दौर में बिजली नहीं होती थी उस वक्त भी तो लोग गुजारा करते थे तो आप एक तो आपकी माशाल्लाह वर्जिश होती रहेगी और माशाल्लाह बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के मालिक बन जाते हैं जो जी बिल्कुल अच्छी जरूर मैं पूछना ये चाहूंगा अली भाई मेरी बेसिकली डेट ऑफ बर्थ है 20 दिसंबर 1993 और सेक्रेटेरियस स्टार है मेरा 20 दिसंबर 1993 सेक्रेटेरियस इनका स्टार है आपकी वालदा का नाम है हमीदा शमसी ठीक है जी और बेटे बता रहे हैं ना नहीं ये खुद बेटे हैं और ये अपनी वालदा का नाम बता रहे हैं जी बिल्कुल जी अच्छा ओके अब्दुल रहमान ये आपकी डेट ऑफ बर्थ है ओके जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है मैं जानना चाहूंगा कि इस वक्त मेरे स्टार की पोजीशन क्या है क्योंकि मैंने अभी एक दो काम है एक दो बिजनेस है जो सोचने स्टार्ट करने का सोचा है उसके बारे में बता दीजिएगा लेकिन अभी कोई मुझे फ्रूट उसका नहीं मिला है फाइनेंशियल हालात इस वक्त थोड़े से डाउन है और आपके शो से मुझे काफी सारी चीजें पता चली हैं कि जैसे सेक्रेटेरियस का जो फायर साइन होता है राइट ऐसा ही है जी जी बिल्कुल एग्जैक्टली फायर साइन अली भाई मुझे आपसे एक सजेशन चाहिए थी कि अगर मैं टाइगर स्टोन वेयर करता हूँ तो मेरे लिए कैसा रहेगा वो कहीं ये दोनों चीजें मुझे बताएगा प्लीज ठीक है जी थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग वेल बड़े अच्छे स्टोन के बारे में इन्होंने पूछा है माशाल्लाह टाइगर आई कैट्स आई टाइगर आप उस वक्त पहन सकते हैं जब आपको कोई खौफ आप फील कर रहे हैं या घबराहट या आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लेट डाउन चल रहा होता है या आप सडन बेचैन हो जाते हैं या आपने किसी खास जगह जब जाना होता है तो आपको शायद आप फील कर रहे होते हैं कि आप उस पर्सन का सामना नहीं कर पाएंगे या आप उस वक्त घबराहट में मुबतला हो जाएंगे तो फिर टाइगर आपको बहुत उस वक्त सपोर्ट कर रहा होता है अपने बर्थ स्टोन के साथ बिकॉज यू बिलोंग्स टू सेक्रेटरी मुश्तरी बुर्ज कौन से बिलोंग कर रहे हैं फायर साइन पर्सनैलिटी फिरोजा एंड मून स्टोन दोनों में से कोई भी एक स्टोन वेयर कर सकते हैं इसके बर्थ स्टोन एंड इसके साथ अगर आप टाइगर वेयर करना चाहते हैं तो दोनों का कॉम्बिनेशन आपके लिए अच्छा साबित होगा लक हाउस इस वक्त वीक है
एफर्ट्स अपनी जारी रखें, हार्ड वर्किंग जो भी कर रहे हैं जिस मकसद के लिए भी, उसका रिटर्न आपको 20 मई से मिल रहा है। 20 मई से इंशाल्लाह आपका अच्छा टाइम स्टार्ट हो जाएगा। कुछ अच्छे दोस्त, अच्छे स्टार आपको सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप उनसे हेल्प लेना चाहें या एडवाइस लेना चाहें तो एरीज एंड लियोस से आपको काफ़ी फायदा हो सकता है। उसके बाद एयर साइन पर्सनैलिटी में जेमिनी एंड लिब्रा भी आपको सपोर्ट कर सकते हैं। एब्रॉड की ट्रैवलिंग देख रहा हूँ, अगर आप कुछ बाहर जाने का इरादा रखते हैं तो इंशाल्लाह आपका मैं एब्रॉड में सेटलमेंट आपका देख रहा हूँ। एंड ऑफ दिस ईयर तक आपको अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं एब्रॉड की ट्रैवलिंग के हवाले से। पाकिस्तान में रहकर भी अगर आप कोई बिजनेस करने का इरादा रखते हैं या आप कोई छोटी सी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो फूड आइटम में, क्लॉथ का, गारमेंट्स का, ये फील्ड आपके लिए अच्छी साबित होंगी। ज़्यादा ज़्यादा सदका खैरात किया करें, ज़्यादा ज़्यादा सूरह रहमान, सूरह मुज़म्मिल एंड सूरह वाकिया की तिलावत करना आपके लिए बहुत मुफीद होगा और बाय से बरकत होगा। ठीक है जी, मूविंग बैक टू होरोस्कोप, अब जानेंगे स्कॉर्पियंस की हाउस की पोजीशन आज कैसी है। जी जनाब, वाटर साइन पर्सनैलिटी, वेल लक हाउस इनका अच्छा बन रहा है, इतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन ये कि इंशाल्लाह अगस्त सितंबर के महीने इनके लिए बहुत स्ट्रांग होंगे। उस वक्त इनको अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिल रहे होंगे। अगर ये कोई बैरून मुल्क जाकर जॉब करने का इरादा रखते हैं तो जुलाई अगस्त के महीने में इनको ये अपॉर्चुनिटीज इनको मिल सकती है। 10th हाउस की पोजीशन भी इनकी अच्छी बन रही है, बिजनेस कर सकते हैं प्रॉपर्टी का, क्लॉथ का, गारमेंट का, वुड का, फर्नीचर का, स्क्रैप का, ट्रांसपोर्ट का, ये फील्ड इनके लिए बहुत मुबारक रहेंगी। 6th हाउस थोड़ा सा इनका डिस्टर्ब चला आ रहा है, अपने सेहत का खास ख्याल रखें। येलो कलर की चीज़ों का सदका देना बहुत मुबारक रहेगा। रेड अकीक वेयर कर सकते हैं, इसके साथ साथ अगर ये छोटा सा मून स्टोन भी वेयर कर लेते हैं तो दोनों को कॉम्बिनेशन इनके लिए इंतहाई मुबारक रहेगा। जो भी इस वक्त इनके माइंड पर कोई स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, तो डेफिनेटली मून स्टोन इनको फिजिकली तौर पे बहुत एक्टिव रखेगा। ज़्यादा ज़्यादा सूर्य वलसर, सूर्य कुरेश, सूर्य वाकिया की तिलावत करते रहें, इंशाल्लाह इनकी टाइमिंग, जून के बाद की टाइमिंग इनके लिए बहुत मुबारक टाइमिंग होगी। ठीक है जनाब, इसी के साथ वक्त हुआ जाता है एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं नहीं जाएगा, गुफ्तगु जारी है आपके सितारों के हवाले से। और बड़ा ही अच्छा लगता है मंडे के दिन सब सितारों के हवाले से बात करना और कॉल लेना, मैसेजेस लेना। ठीक है जी, जाएं छोटे से ब्रेक पे। वेलकम बैक नाजरीन, आ चुके छोटी सी ब्रेक से वापस, लेंगे आपकी कॉल्स और मैसेजेस और गुफ्तगू करेंगे आपके सितारों के हवाले से। आते ही हम जानेंगे आपके कैंसेरियन की हाउस की पोजीशन कैसी है, क्योंकि इनके लिए ये बहुत, मैं ऑब्सेस्ड हो गई हूँ इस वर्ड से कि ये रोशन रोशन सितारे के बारे में जानेंगे जी। और लोग ये ना कहने लग जाए कि जेलस हो रही है कैंसेरियन से, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि जब किसी भी के साथ कोई स्टिग्मा हो, एसोसिएट किसी भी साइन के साथ कोई उसकी पर्सनैलिटी, जैसे लियोस के लिए मशहूर है कि वो डिक्टेटर्स होते हैं, डिक्टेटर इज अ रॉन्ग वर्ड, लेकिन वो लीडर्स होते हैं और उनकी थोड़ी सी बुराइयाँ भी हैं कि जी वो एडवाइस देना पसंद नहीं करते, तो तमाम सितारों के हवाले से वही तमाम चीज़ें हैं जी। देखिए एग्जैक्टली सबात आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। देखिए हर स्टार पर उरूज जमाल का टाइम आता बिल्कुल है। और हर इंसान के ऊपर भी नशीब व फरासों से गुजरना पड़ता है और गर्दिश का टाइम मैं समझता हूँ कि हर इंसान पर आता है, तो उस वक्त आप बाहिम्मत रहें और हिम्मत से काम लेते रहें। यकीन वो लोग जो मुश्किल का, मुसीबतों का हिम्मत के साथ मुकाबला करने का फन जानते हैं, तो फिर उनके लिए मुसीबतें, मुश्किलात उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कैंसेरियन वेल यकीनन डिजर्व करते हैं रोशन पर्सनैलिटी, रोशन सितारा, इसमें मून और ज़ाहिर दो ही रोशन स्टार्स होते हैं जिसमें सन एंड मून और नज़र आने वाले सितारे। अगर हम यहाँ पर इनके जायचे की पोजीशन देखते हैं, इनका लक हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग, द हाउस ऑफ पर्सनैलिटी बहुत अच्छा है, 7th हाउस की पोजीशन बहुत अच्छी है, 3rd हाउस अच्छा लग रहा है वेल। और यकीनन दुआ होती है तमाम स्टार के लिए कि हमारे सारे बहन भाइयों के स्टार की पोजीशन अच्छी हो, उनका लक हाउस अच्छा हो, उनका 1st हाउस, उनका 7th हाउस अच्छा हो। यहाँ पर माशाल्लाह मून साइन लकी हैं और यकीनन बास स्टार बहुत लकी होते हैं जो उनका टाइम ज़्यादा देर तक खुशियों का, कामयाबियों का स्ट्रिल बरकरार रहता है। मून साइन माशाल्लाह इस वक्त स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर है, द हाउस ऑफ लक, किस्मत का घर इनका अच्छा है। 2017 इनके लिए बहुत मुबारक रहेगा। जो भी इनकी पर्सनल विशेष थी 2016 में, जिनके लिए इन्होंने किसी से हेल्प भी मांगी होगी, यकीनन इनके काम उस वक्त नहीं बने होंगे, लेकिन वो टाइमिंग में भी पॉसिबल अल्लाह ताला की तरफ से आपके हक में बेहतर नहीं था, लेकिन कुछ चीज़ें अब आपकी बन रही हैं। जुलाई अगस्त सितंबर के महीने कैंसेरियन के लिए इंतहा मुबारक रहेंगे। इसमें इनके अच्छे दोस्त, इनके अच्छे रिलेशन कायम करने में
हेल्प कर सकेंगे, खासतौर पर पाइसिस एंड स्कॉर्पियो से इनको काफ़ी फायदा होगा। थर्ड हाउस की पोजीशन बहुत अच्छी है, हाउस ऑफ एजुकेशन, तालीम के हवाले से इस वक्त जो भी प्लान कर रहे हैं, आला तालीम हासिल करना चाहते हैं, तालीम के साथ साथ कोई जॉब करना चाहते हैं, अच्छा ड्यूरिंग द एजुकेशन इनके अच्छे प्रपोजल भी आ सकते हैं। अब इनके ऊपर डिपेंड करता है वो पर्सनैलिटी मैंने बता दी जो इनको सूट करती है, खासतौर पर पाइसिस एंड स्कॉर्पियो इनके अच्छे एडवाइज़र, अच्छे दोस्त, अच्छे लाइफ पार्टनर साबित होंगे। यहाँ पर दिल तो करता है कि पूरे 12 हाउसेस को रीड करें, लेकिन स्पेसिफिकली इनके 4 हाउसेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, लक हाउस, फर्स्ट हाउस, थर्ड हाउस एंड सेवंथ हाउस। अच्छे प्रपोजल इनके आएंगे इनकी पसंद के मुताबिक, जो भी इनकी लाइकिंग है, जहाँ से भी ये चाह रहे हैं, कोई एक्सपेक्टेशन रखी हुई है लव मैरिज के हवाले से, तो इनको कामयाबी मिल जाएगी इंशाल्लाह। वाइट चीज़ का सदका देना बेस्ट साबित होगा अपने अपने बर्थ स्टोन के साथ, पर्ल या फिर मून स्टोन के साथ। इस वक्त ये लाजमन छोटा सा ब्लैक अकीक पहन लें, क्योंकि आपके स्टार की पोजीशन बहुत अच्छी है। यकीनन जब खुशियां कामयाबियों के लिए आप रवाना हो रहे होते हैं, तो फिर आपको अराउंड अबाउट में कुछ ऐसी इवन फोर्सेस, कुछ ऐसी बेडाइस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो सदका खैरात करते रहें, यह आपको नजर बस से बंदिशा से सेफ रखेगा। सूर्य वल कमर, सूर्य वल शम्स एंड सूर्य रहमान की तिलावत करना कैंसर दिन के लिए बहुत मुबारक होगा और 22 से बरकत होगा। परफेक्ट जी, काफी डिटेल में बताया है इन्होंने कैंसर के हवाले से। हमारे पास कॉलर भी है जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन और कहां से बात कर रहे हैं? जी मैं मोहम्मद सलमान बात कर रहा हूँ कराची से। जी मोहम्मद सलमान साहब, क्या पूछना चाहेंगे आप? अपनी सिस्टर के हवाले से अली भाई से दाइचा बनवाना था। सिस्टर का नाम है आयशा। आयशा इनकी सिस्टर का नाम है, ठीक है। और मदर नेम है नौरीन। नौरीन, और इनकी डेट ऑफ बर्थ? आयशा की डेट ऑफ बर्थ है 27th October 1989। 27th October 1989, जी ठीक है। और पूछना क्या चाहेंगे? मैरिज के हवाले से अली भाई से पूछना था कि काफी देर से रिश्ते वगैरह तो माशाल्लाह बहुत ज्यादा आते हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई बात नहीं हो पाती है। हमने इनका लास्ट ईयर रिश्ता पक्का भी किया था, एंगेजमेंट भी की थी, लेकिन वो कुछ इश्यूज के बिना पर फैमिली जरा हमें अच्छी नहीं लगी, तो वो हमने खत्म कर दी ना। तो काफी देर से उस बात को भी 4-5 महीने गुजर चुके हैं, उसके बाद से रिश्ते आ तो रहे लेकिन कहीं पर प्रॉब्लम आ जाती है। अगर हमें अच्छा लगने लग जाते तो वहाँ से इस्तेखारा मैच नहीं करता, तो इस तरह से बहुत इश्यूज आ रहे हैं ना। तो अली भाई से कम्प्लीट दायचा पूछना चाहूंगा, और इनका कोई वर्ड स्टोन है तो वो भी बता दीजिए जो इस हवाले से इनको स्पिरिचुअल पावर के जरिए सपोर्ट कर सके। ठीक है जी, आपको कंप्लीट जायजा बताएंगे आपकी बहन का। थैंक यू फॉर कॉलिंग, अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़ जी। मोहम्मद सलमान माय डियर ब्रदर, आपकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि प्रपोजल आया था लास्ट ईयर, फैमिली अच्छी नहीं लगी। बहुत अच्छा आपने किया, क्योंकि बहनों और बेटियों को जल्दबाजी में उनके रिश्ते नहीं तय कर देने चाहिए सोच समझ कर, क्योंकि पूरी ज़िंदगी का मसला होता है। वेल आयशा अगर का अगर हम जायचा देखते हैं, 27 अक्टूबर, शी स्कॉर्पियो वाटर साइन पर्सनैलिटी जिसे मुरीख बुर्ज अक्रब कहते हैं, इनका जोड़िक साइन मार्स, लक नंबर 9 एंड ट्यूजन कनेक्टेड है। सेवंथ हाउस की पोजीशन इस वक्त थोड़ा वीक है, वेट करना होगा इनके, यकीनन इंशाल्लाह और अच्छे प्रपोजल आएंगे इसी साल का थर्ड क्वार्टर या फिर एंड ऑफ दिस ईयर तक इंशाल्लाह इनकी किसी अच्छी जगह जिनसे इनका स्टार मैच कर रहा होगा, एंगेजमेंट बातचीत जिस वक्त तय हो जाएगी, वो स्टार जो इनको और बहुत ज़्यादा ऑनर इज्जत रिस्पेक्ट दे सकते हैं जिनके साथ इनका स्टार मैच कर रहा है, पाइसिस एंड कैंसेरियन नंबर 1 पर। सेकंड फिर एयर साइन पर्सनैलिटी से भी इनका माशाल्लाह स्टार तकरीबन 80-90% मैच कर सकता है, जिसमें जेमिनी एंड लिब्रा भी इनको ऑनर इज्जत रिस्पेक्ट दे सकते हैं। थर्ड हाउस की पोजीशन बहुत अच्छी है, एजुकेशन के वाले से अगर कुछ इनकी पर्सनल विशेष है, अगर आगे कोई आला तालीम हासिल करना चाहती हैं तो थर्ड हाउस इस वक्त इनका स्ट्रॉन्ग है। अच्छे अच्छे लोग, अच्छे स्टार से रिलेटेड पर्सन इनको आगे कामयाबी की तरफ लेकर जाने में हेल्प कर सकते हैं, जिसमें पाइसिस एंड जेमिनी या फिर लिब्रा पेश रहेंगे। अपने बर्थ स्टोन के साथ येलो टोपाज, रेड अकीक के साथ अगर ये छोटा सा सुर्ख याकूत भी वेयर कर लेती हैं तो बहुत मुबारक साबित होगा। येलो एंड रेड चीज़ का सदका देना बहुत मुफीद साबित होगा। ज़्यादा से ज़्यादा सूरह नूर, सूरह निसा एंड यूसुफ की सूरह यूसुफ की तिलावत करना इनके लिए इंतहाई मुबारक होगा और बायसे बरकत होगा। ठीक है जी, एक और मैसेज लेंगे। इनका नाम है लाइबा, इनकी वालदा का नाम है बिल्किस, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 25th of March 2002। और मैं अपनी स्टडीज़ के बारे में पूछना चाह रही हूँ कि मेरे स्टडी में दिल नहीं लगता और पेपर्स की तैयारी भी नहीं कर सकती, जिसकी वजह से रिजल्ट अच्छा नहीं आता, तो कोई स्टोन बता दें और कोई वजीफा बता दें जी। वेल जब आपका दिल ही ना लग रहा हो किसी किताब में या किसी ज़ाहिर है इसमें एजुकेशन के हवाले से, आपका माइंड या आप कॉन्सनट्रेशन ना कर रही हो, फोकस ना कोई भी ना कर रहा हो, तो फिर यकीन हाउ कैट्स पॉसिबल कि आपको सक्सेस कामयाबी कैसे मिल सकती है? ये तो बिल्कुल माइंड को एक जगह फोकस करना पड़ता है। लाइबा मेरी बहन बाई नेम एंड बाई बर्थ यू बिलोंग टू आ फायर साइन, यू आर एरीज जिसे मुरीख बुर्ज हमल कहते हैं, आपका जोडिक साइन मार्स लकी नंबर 9 एंड ट्यूजडे आपका लकी डे।
फर्स्ट एंड थर्ड हाउस वीक है, द हाउस ऑफ पर्सनैलिटी एंड द हाउस ऑफ एजुकेशन। बहुत ज़्यादा हार्डवर्किंग की जरूरत है, कॉन्सेंट्रेशन करना होगा, फोकस करना होगा, पढ़ाई में दिल लगाना पड़ता है, माइंड बनाना पड़ता है, जो भी एक्स्ट्रा आपकी एक्टिविटीज़ होती है स्टॉप वाइंड अप करना पड़ता है, देन यू विल बी सक्सेसफुल। जब आप कामयाबियों की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन जो लोग दिल से किताब का मुताला करते हैं और दिल कॉन्सेंट्रेशन के साथ, यकीनन वो चीज़ें उनको फिर याद रहती हैं और फिर वो कामयाबी के मनाजिल भी तय करते हैं, अपना एजुकेशन लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं। अपने बर्थ स्टोन के साथ रूबी के साथ कैटसाई आपके लिए सजेस्ट करूँगा, वो मेरे बहन भाई जिनका कोई किताब में दिल नहीं लगता, पढ़ाई में दिल नहीं लगता या वीक होते हैं, तो कैटसाई उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। ज़्यादा से ज़्यादा सदका खैरात किया करें, कंटिन्यूसली तस्बीह किया करें, कुल रब्बी ज़िदनी इल्मा, सूरह अल-मशरिक़ की तिलावत करें, सूरह वाकिया की तिलावत करना आपके लिए बहुत मुफीद होगा और बायस बरकत होगा। और इनके लिए ये कहना चाहूँगी, इन ऑर्डर टू गेट एनी सक्सेस और रिजल्ट इन योर लाइफ यू नीड टू पुट योर 100%। ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी चीज़ से तवक्को रख रहे हैं कि वो आपको बहुत बड़ा रिजल्ट दे और आपने उसमें एफर्ट क्या पुट किया, कुछ भी नहीं की। तो आप अपना 100% करें तो जाके 80-70% तो रिजल्ट आते ही आते हैं, ये नहीं हो सकता। और फोकस रहे, बाकी सारी चीज़ कम सेकेंडरी, स्टडी कम्स फर्स्ट बिकॉज यू आर इन दैट पार्ट ऑफ योर लाइफ। और इस एज में आप जब बाकी चीज़ें होती हैं तो तब आपको काम, तब आपको फैमिली के साथ इन तमाम चीज़ों को जस्टिफाई करना होता है। चलेंगे हॉरोस्कोप की जानिब दोबारा और जानेंगे कि एक्वेरियस के हाउस की पोजीशन आज कैसी है। एक्वेरियस एयर साइन पर्सनैलिटी जोर जिसे हम बुझ दिलो कहते हैं, अगर हम इनकी जायचे की पोजीशन देखते हैं, इनका लक हाउस थोड़ा इस वक्त ग्रेजुअली आगे कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है, अच्छे अपॉर्चुनिटीज इनको मिल सकते हैं। जो भी इनकी पर्सनल विशेष 2017 के फर्स्ट मंथ से इन्होंने जो भी प्लान कर रखा था अपने कैरियर को, अपने फ्यूचर को, अपने मुस्तकबिल को रोशन करने के हवाले से, वो चीज़ें इनकी इंशाल्लाह इनके करीब आ रही है। खासतौर पर इनको एयर साइन पर्सनैलिटी काफ़ी सपोर्ट कर सकती है, जिसमें जेमिनी एंड लिब्रा से इनको काफ़ी फायदा हो सकता है। सेवंथ हाउस इनका अच्छा बन रहा है, इसी साल का थर्ड क्वार्टर या फिर इसी साल का फोर्थ क्वार्टर, एंड ऑफ दिस ईयर तक इनका कोई रिलेशन अच्छे कायम हो सकते हैं, कोई मैरिज का, शादी का इरादा है, तो वो साइन जो इनके अच्छे लाइफ पार्टनर बन सकते हैं उसमें जेमिनी एंड लिब्रा इनके अच्छे लाइफ पार्टनर साबित होंगे। थर्ड हाउस की पोजीशन इनकी अच्छी है, एजुकेशन के हवाले से जो भी इस वक्त ये प्लान कर रहे हैं उसमें इनको कामयाबी इंशाल्लाह मिल जाएगी। सिक्स हाउस इनका थोड़ा काफ़ी अर्से से थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा है, अपनी सेहत का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें, अपने आप को टाइम दें, वाइट चीज़ का सदका देना बहुत मुबारक रहेगा। अपने बर्थ स्टोन के साथ एक्वामरीन या फिर एमिथिस के साथ अगर ये छोटा सा यमनी अकीक या फिर येलो अकीक, जर्द अकीक वेयर कर लेते हैं तो डिजीज़ से सेफ रहेंगे, नजरें बस से, बंदिशात से, इवन फोर्सेज से ये सेफ रहेंगे। हमारे पास कॉलर भी है जी, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। वालेकुम अस्सलाम जी, कॉलर कहाँ से बात कर रही हैं? मैं फरा बात कर रही हूँ मुल्तान से। जी फरा बात कर रही हैं मुल्तान से जी, क्या पूछना चाहेंगी फरा आप? मैं बहन ये पूछना चाह रही हूँ, एक्चुअली मेरा प्रॉपर्टी का कोई केस चल रहा है कोर्ट में। अच्छा। मतलब मेरे फादर की दो शादियाँ थी, तो मेरी फर्स्ट मदर से मेरे भाई थे और मैं एक ही बहन हूँ, मतलब एक भाई एक बहन। तो मेरे हिस्से में काफी 14-15 कनाल कुछ इस तरह जमीन आती है जो मेरे वालिद साहब ने मुझे दी भी थी, मगर मैंने भाई पे भरोसा करके कभी पेपर्स मांगे नहीं। लेकिन अब अचानक से वो पूरी जमीन उन्होंने अपने हाथ में ली दी है, तो मैंने उनके अगेंस्ट कोर्ट में केस किया है। लेकिन जब से मैंने केस किया है ना कोर्ट में, तब से मैं इतनी बीमार रहने लग गई हूँ ना, मैं यहाँ तक कि जब कोर्ट के दिन मुझे जाना होता है ना, जब उन दिनों में मैं बीमार हो जाती हूँ। और इस वजह से मेरा हस्बैंड बीमार, मेरे बच्चे बीमार, जब से मैं इस चीज में आई हूँ। तो मैं देखिए, मैंने अपना हक ही मांगा है, गलत नहीं किया मैंने, लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ मेरे लिए बेहतर है या नहीं, वरना ऐसी चीज का क्या करना जिससे मुझे नुकसान मिल रहा हो, मेरी फैमिली को मिल रहा हो। नहीं, अपने हक के लिए सवाल उठाना तो बेहतर है, वो कोई दिस इज आउट ऑफ अ क्वेश्चन, इट्स राइट ऑफ कोर्स, ये आपका हक है। आप अपनी वालदा की डिटेल्स बताएं, बहरहाल गलती पे आपके भाई हैं, जो आपने बताई ये बात उस हिसाब से, क्योंकि अपने हक के अब हक मांगना कोई गलत बात नहीं है, तो आप ये जहन से निकाल दें कि सही है या नहीं है। आप अपनी वालदा का नाम बताएं, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं। जी, वालदा का नाम शबाना है। शबाना, ठीक है। और आपकी डेट ऑफ बर्थ? 18 अप्रैल 1988। ठीक है जी, आप परेशान ना हो, हम पूरी चीजें जी। और मैं भाई के बारे में भी कुछ पूछना चाहती हूँ, उनका नाम भी बताना चाह रही थी, वो मैं पर्सनली मैं स्क्रीन पे ऑन एयर नहीं बता सकती। ठीक है, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स को आप यूटिलाइज करें, आते रहते होंगे बार बार आपके सामने, और शो के बाद इंशाल्लाह आपसे कोऑर्डिनेट करेंगे और हर पॉसिबल आपको गाइडलाइन देंगे। ठीक है जी, फिकर ना करें। थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़। और ये किस तरह के भाई होते हैं, जबकि स्टेप सिस्टर हैं और इन्होंने कहा मैंने भरोसा करके दे दिया। कई जगहों पे होते हैं कि स्टेप मदर्स भी बड़ी अच्छी होती हैं, स्टेप ब्रदर्स भी कोई स्टीरियोटाइप नहीं है, काफ़ी जगह लोग अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, तमाम चीज़ें, सगे बहन भाई कभी कुछ ऐसा कर जाते हैं। तो ये लोग भूल गए कि किसी का हक गसब करना और ख़ासतौर पर ज़मीन जैसी चीज़, तो इसका कयामत में जवाब देना है। पहले तो आप इस पर कुछ कमेंट करें। नहीं, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही है, किसी का हक नहीं मारना चाहिए ना हक, और फिर ये तो सगे बहन भाई हैं और स्टेप ब्रदर
برادر بھی ہے یا آپ کا ریل برادر بھی ہے تو بہنوں کو تکلیف نہیں دیتے بھائی، یقیناً بھائی تو اپنی بہنوں کے لیے اپنا حق قربان کر دیتے ہیں، تو ہاؤ اٹس پاسبل؟ یقیناً انشاءاللہ فرح آپ پریشان مت ہو، اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ دے گا، یقیناً آپ کے کاموں میں آسانی پیدا ہوگی، جو بھی اس وقت آپ لیگل میٹر کو فیس کر رہی ہیں تو اس میں آپ کو انشاءاللہ ضرور کامیابی ملے گی۔ ہم آپ کے اسٹار کی پوزیشن کو دیکھتے ہیں، یو بلانگ ٹو ایریز جسے مریخ برج حمل کہتے ہیں، فائر سائن پرسنالٹی سے ریلیٹڈ ہے، آپ کا زوڈیک سائن مارس، لکی نمبر آپ کا 9 اینڈ ٹیوزڈے آپ کا لکی ہے، لک ہاؤس اس وقت تھوڑا آپ کا ویک ہے، قسمت ساتھ نہیں دے رہی، لیکن انشاءاللہ آپ کے اسٹار کی پوزیشن جولائی اینڈ اگست، یہ ٹائمنگ آپ کے لیے میں بہت مبارک دیکھ رہا ہوں، اس میں آپ کو کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سڈن کوئی گڈ نیوز مل سکتی ہے، کچھ ایسے ہیلپ فل ہینڈ آپ کی مدد کر رہے ہیں جس میں خاص طور پر لیوز اینڈ سیکرٹیریٹ سے آپ کو کافی فائدہ ہو سکتا ہے۔ کنٹینیوسلی سورہ آل عمران، سورہ بقرہ کی تلاوت کرنا آپ کے لیے بہت مبارک رہے گا، اپنے برڈ سٹون کے ساتھ روبی یا پھر لیپس کے ساتھ اگر آپ چھوٹا سا بلیک عقیق پہن لیتی تو آپ کے لیے انتہائی مبارک رہے گا۔ انشاءاللہ جو آپ کی پرسنل وش ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کا جو آپ کے رائٹس ہیں وہ آپ کو ضرور ملیں گے، جولائی اگست تک انشاءاللہ آپ کو ویٹ کرنا ہوگا، اور میں بھی یہی دعا کروں گی کہ جو بھی ہو وہ آپ کے حق میں ہو اور انشاءاللہ جو ہے وہ آپ صحت یاب ہوں۔ سب سے بڑی نعمت تو صحت ہے، کیونکہ اگر آپ کی طبیعت خراب رہے گی تو آپ کسی بھی پرابلم کو فیس نہیں کر سکیں گے۔ اب جانیں گے اور چلیں گے ہوروسکوپ کی جانب کہ آج جمنائی کے ہاؤس کی پوزیشن کیسی ہے۔ جمنائی تارد جوزا ایئر سائن پرسنالٹی، لک ہاؤس ان کا اچھا ہے، سیونتھ ہاؤس کی پوزیشن بہت اسٹرانگ ہے، 2017 کا تھرڈ اینڈ فورتھ کوارٹر ان کے لیے انتہائی مبارک رہے گا، اس وقت ان کو کچھ بڑے اچھے اپرچونیٹیز مل سکتے ہیں، کچھ ایسے دوست، کچھ ایسے فرینڈ، کچھ ایسے ریلیٹیو میں سے کچھ ایسی پرسنالٹی ان کو آگے سپورٹ کر سکتی ہیں، ان کی وش پوری کرنے کے حوالے سے بھی ان کی ہیلپ کر سکتی ہیں، خاص طور پر لیبرا، ایکویریس اینڈ پائسیس سے ان کو کافی فائدہ ہوگا۔ سکس ہاؤس تھوڑا سا وقتی طور پہ ان کا ڈسٹرب ہو سکتا ہے، لیکن گرین چیز کا صدقہ دینا انشاءاللہ ان کے لیے بہت مبارک ثابت ہوگا، اپنا برتھ سٹون ویئر کر سکتے ہیں، ایمرلڈ یا پھر اونکس پہننا ان کے لیے انتہائی مفید ہوگا اور باعث برکت ہوگا۔ اور لیبریرینز کا بھی بتا دیں، کیونکہ میں نے فوراً سے ایکسائٹمنٹ میں جمپ کر لیا جمنائی کی طرف اور لیبریرینز کے بیچ۔ ایگزیکٹلی، وینس سائن پرسنالٹی سے زہرہ برج میزان کہتے ہیں، ان کا زوڈیک سائن وینس، لکی نمبر ان کا 6 اینڈ فرائیڈے ان کا لکی ڈے، بہت اسٹرانگ پوزیشن ہے لیبراز کی، لک ہاؤس 9th ہاؤس، 3rd ہاؤس، 11th ہاؤس بہت اچھا ہے، 2017 ان کے لیے بہت مبارک رہے گا، بزنس کے حوالے سے، سفر کے حوالے سے، شادی کے حوالے سے ان کے اچھے کچھ ریلیشن قائم ہو سکتے ہیں، اچھے دوست ان کے بزنس کو آگے بڑھا سکتے ہیں، ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں، خاص طور پر ان کو پائسس، جیمنائی اینڈ ایکویریس سے کافی فائدہ ہوگا، ان سے ایڈوائز لینا ان کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا، اپنے برتھ سٹون کے ساتھ یہ بھی اگر یلو عقیق پہن لیتے ہیں اوپل کے ساتھ تو ان کے لیے بہت مبارک رہے گا، زیادہ سے زیادہ وائٹ چیز کا صدقہ دے دیا کریں، زیادہ سے زیادہ سورہ مزمل، سورہ ملک، سورہ واقعہ، سورہ رحمان کی تلاوت کرنا لیبریرین کے لیے بہت مبارک ہوگا اور باعث برکت ہوگا۔ جی میسج لیں گے، ان کا نام ہے ساجد علی، ان کی والدہ کا نام ہے فہمیدہ، کہہ رہے ہیں کہ ڈیٹ آف برتھ ان کی کنفرم نہیں ہے اور یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ میں اپنا بزنس اسٹارٹ کرنا چاہ رہا ہوں لیکن یہ نہیں پتا کہ کون سا بزنس مجھے سوٹ کرے گا، تو آپ بتا دیں، کوئی اسٹون اور وظیفہ بھی بتا دیں۔ جی بائل ملداد بتائیں گے، چھوٹی سین بڑی شین سے جن کا نام شروع ہوتا ہے کیپریکون ہم ان کو کاؤنٹ کرتے ہیں، زہر برج جدی سے بلانگ کر رہے ہیں ساجد علی، مائی ڈیئر برادر، ویل 9th ہاؤس بہت اچھا ہے، 10th ہاؤس کی پوزیشن بہت اچھی ہے، وہ فیلڈ جس میں آپ کو کافی پروفٹ ہو سکتا ہے، خاص طور پر پراپرٹی کا، ٹرانسپورٹ کا، میٹل کا، اسکریپ کا، یہ بزنس کرنا آپ کے لیے انتہائی مبارک رہے گا۔ لک ہاؤس کی پوزیشن بہت اچھی ہے، اگر کوئی بزنس پارٹنرشپ کرنا چاہتے ہیں تو ورگو اینڈ ٹورس سے آپ کو کافی فائدہ ہو سکتا ہے، اپنے برتھ سٹون کے ساتھ آپ بھی بلو سفائر نیلم کے ساتھ اگر آپ چھوٹا سا یمنی عقیق پہن لیتے ہیں تو دونوں کا کمبینیشن آپ کے لیے انتہائی مبارک ہوگا، بلیک چیز کا صدقہ دینا رسک کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے ترقی کا باعث بنے گا، زیادہ سے زیادہ سورہ واقعہ، سورہ ملک، سورہ مزمل اینڈ سورہ رحمان کی تلاوت کرنا آپ کے لیے بہت مفید ہوگا اور باعث برکت ہوگا۔ وہ لوگ جو ان سمپل سے ملنا چاہتے ہیں یا زائچہ جاننا چاہتے ہیں، کچھ ایسے مسائل ہیں کہ جو وہ ہمیں اسکرین پہ نہیں بتا سکتے، کالس پہ نہیں بتا سکتے یا میسج نہیں کر سکتے، تو اسکرین پہ دیے گئے نمبرز کو یوٹیلائز کریں، انشاءاللہ یہ آپ سے کوآرڈینیٹ کریں گے آفٹر دس شو، اور وقت ختم ہو جاتا ہے شو کا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔